बैक टू माई न्यू वीडियो। और आज हमारा बच्चा 6 दिन का हो गया है, तो हम लोग बना रहे हैं अपने बच्चे की छठी। और बच्चा मेरा नहा धो के सो रहा है आराम से, तो आपको पता ही है मैं बच्चे को तो अभी नहीं दिखाने वाली हूँ, बाद में दिखाऊंगी। और हमारी पूजा ने भी नहा लिया है, तो पूजा नहा के बैठ गई है। और देखिए छठी की तैयारी हो रही है, तो खाना बनता है हमारे यहाँ। और खुशी क्या कर रही है मैं आपको दिखाती हूँ। खुशी बहुत बड़ा वाला काम कर रही है। खुशी और खुशी के आंसू दिख रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू। और ये काट रही है प्याज, लेकिन इसकी खुशी के आंसू है क्योंकि इसका छोटा सा भाई है, है ना। क्या हुआ, सब क्यों रो रही हो? खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और दीदी काट रही है सब्जी, और मिलके काम हो रहा है। अभी मैं बनाऊंगी खाना, और अभी सब लोग आएंगे। लोग मीन्स हमारे सिर्फ घर के जितने मेंबर्स हैं, क्योंकि हम लोग घर घर में ही कर रहे हैं थोड़ी बहुत जो करना है छठी का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन आता है, बने रहिए हमारे साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। टीवी और शुभ नीचे है, मैं भूल गई थी बताना उन लोगों को। अभी मैं ऊपर आएंगे ये लोग तो दिखाती हूँ। मेरी कुकर में सीटी हो रही है, मैं जाके देखती हूँ। तो दीदी मेरी बना के लाई हैं चाय मेरे लिए, और खुद गिलास में पी रही हैं बैठ के, ज़्यादा वाली। और हमको दी है एक छोटी सी कप में। और ये शुभ बैठा है, और शुभ नेवी कहाँ गई? नीचे नीचे चली गई। क्यों, लड़ाई हो गई तुम्हारी? हाँ, नेवी है अम्मा के पास, और खुशी का तो रोना बंद ही नहीं हो रहा। देखा, ये देखना मारी है मम्मी इसकी। मम्मी ने नहीं नहीं बोलो बोलो, हमने माइक नहीं बंद किया। मारी है खुशी को। कौन, मैंने मारा? कौन तो कर दूं खुशी, तुमको मैं मार सकती हूँ? हे भगवान। मेरी दीदी भी जो है काम कर रही हैं, खाली हम आराम कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं। मैं आराम से चाय पी रही हूँ बस। ये नीवी ने खाया सौंठ का लड्डू, और नीवी कैसा लगा? गंदा। अच्छा तो है, तो नीवी डस्टबिन में फेंकने जा रही है सौंठ का लड्डू। एक चीज बताया जाए हमको। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी, और हमारे यहाँ बनती है कढ़ी छठी में, और दाल बन गई है, और भी बनता है पकौड़ी वकौड़ी। हाँ बेटा, अभी अभी क्या बना रही हैं? कढ़ी बना रहे हैं, तो शुभ की फेवरेट है कढ़ी, लेकिन अभी मिलेगी नहीं जब तक। पनीर पसंद है? पनीर नहीं बनेगा आज, उनको पनीर पसंद है। लेकिन आपने कहा था रात को कढ़ी बनेगी। पूजा रात को होगी ना, तो रात को ही मिलेगी, ठीक है? तब तक आप लोग को मैगी देते हैं बना के। ये! तो बच्चे खुश हो गए मैगी के नाम से, और अभी बन रहा है खाना। और अभी दीदी लोग नहीं आई हैं, क्योंकि बुआ लोग का तो काम ही होता है छठी में। एक दीदी है और बाकी दो लोग नहीं आई हैं, और बच्चे की नानी भी नहीं आई है अभी, और बड़ी वाली दीदी नहीं आई है हमारी, यानी कि बच्चे की सबसे बड़ी मम्मी। और अभी सब लोग आते होंगे क्योंकि टाइम है, पूजा तो शाम को ही होती है। और दीदी यहाँ पे क्या काट रही है? हरी मिर्च, मिर्च काट रही है। और मैं खाना बना रही हूँ। और चलिए फिर, मतलब मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने आप लोग को बताया मैं काम नहीं कर रही हूँ, दीदी लोग कर रही है। नहीं, मैं भी काम करती हूँ, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी, प्रिपरेशन दीदी लोगों ने कर दी है, और बाकी सब मिलके हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स हमारे घर छठी में आए हैं बहुत दूर से मेहमान, नोएडा से। तो देखिए कौन आया है नोएडा से, ये नोएडा वाली भांजी। और भी आए हैं नीचे नोएडा से मेहमान। अब उन लोग को मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बड़े लोग हैं, मींस हमसे काफ़ी बड़े हैं, तो ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। और बाकी दीदी थक गई हैं काम करके, और रिया बहुत थक गई है, और बच्चे तो ज़्यादा ही थक गए हैं। ये देखिए बच्चों की शैतानियाँ। तो मैं तो बहुत ही थक गई हूँ, और दीदी इतना थक गई कि लेट गई हैं। कहाँ गई दीदी, कैसे दिखाऊं? ये देखिए दीदी थक गई हैं। और अब दीदी आ गई है हमारे यहाँ, तो अब हमारा होगा शुरू प्रोग्राम छठी का। एक दीदी भी नहीं आई है। एक नहीं आई, हाँ वो आ जाए तब शुरू होगा। क्या बोल रही हूँ, इसके बिना क्या नहीं होता।
मेरा जोर नहीं आता पार्टी में इसके, किसके बिना जिनका इंतजार हो रहा है हमारी प्रिय मौसी बिना मजा नहीं आता सही बात बड़ी मौसी तो फ्रेंड्स अब आ गई है हमारी जो मेन जिसका इंतजार था रौनक आया है महफिल में ये देखिए दीदी मैडम आ गई है रौनक आया महफिल में और इनके नखरे देखिए तो आ गई है मेरी नंद रानी और सब लोग इनके सूट की तारीफ कर रहे हैं बहुत ज्यादा खोल के दिखाओ दिल खोल के दिखाओ गरम हो रहा दीदी और पूजा नहीं होगी हमारे यहाँ क्योंकि मूल में है बच्चा तो वैसे सीधे बस नॉर्मल घर में ऐसे ही कर रहे हैं और पूजा खा रही है खाना दे मलिया पहुंची ना इसे अभी नहीं पहनाना कुछ अभी कुछ नया कपड़ा भी नहीं पहनाना और दीदी बैठी है तीनों बुआ है और बड़ी मम्मी नहीं आई भाई बड़ी मम्मी नहीं आई ये बुआ लाई है कपड़े बच्चे के वाओ दिखा दो कितने सुंदर कपड़े है और ये और दीदी लाई है क्यों नहीं लाई ये लड़ाई होती है हमारे यहाँ दीदी भी नहीं लाई है ये होती है बहन की दीदी तो लाई ही नहीं है देखो दिखा दिखाओ ऐसी मारे बनियान भी बड़ी है इतनी छोटी सी बनियान है वाह तो छोटी तो बुआ छांट के कपड़े लाई है शॉपिंग करके आई है इसीलिए ये लेट आई है नहीं आ जाएगा दीदी ठीक है अभी आराम से मेरी हालत हो गई है खराब काम करते करते इनकी भी हो गई है हम दोनों की हालत खराब है लेकिन करना है यहाँ पे नंद और भाभी में बहुत लड़ाई हो रही है फ्रेंड्स सारी नंदे हैवी हावी हो रही हम लोग की क्योंकि बड़ी वाली जिठानी नहीं आई हम लोग की इसी सारा दीदी ने खत्म कर दिया एक प्लेट हम इतने पीछे बैठे हैं हमको मिले ही नहीं तो किसने खाया है ना हम खा रहे ये देखिए तीनों नंदे खाने आई खाली जिठानी काम कर रही दोनों बस हम लोग खाए के लिए आई हैं ये देखिए सबके मुंह में है ये देखिए जा रहा है तो खाने के लिए होती दीदी थकी थकी सबसे बड़ी मम्मी भी आ गई हैं और दीदी ये लोग बहुत भारी पड़ रही है हम लोग के ऊपर अब आप आइए तो हम लोग की जो है जान में जान आई मम्मी नमस्ते चाय नहीं हुआ अब लो पंगा अब अब आप तीन हो तो हम भी तीन हम चार हैं तुम ज्यादा भारी हो हम इसी वजह से जाता ये लीजिए हो गया भाई लोग मम्मी बना अपनी उनको खाना नहीं मिला तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ सब लोग खाना वाना खा के जा चुके हैं और हम लोगों ने भी खा लिया सबने और यहाँ चल रहा है मस्ती मजाक वो भी मेरी सासू माँ के साथ और सबसे ज्यादा हंसती है ये लड़की गौर से देखिए इस लड़की को कोई भी कॉमेडी जो है सीन होगा तो ये इसकी हंसी नहीं बंद होगी और कैसे हंसती रही है एक बार हंस के दिखा ऐसे नहीं और अच्छे से वो समय पर हंस देगी और ये हमारा नानी हमारी गिलास बचा रही है कह रही है अगले अभी अभी टाइम है अभी वहाँ भी खर्चा होगा इनके पास इनके लिए स्टील का बर्तन लाया था भाई स्टील वाला मैंने मना कर दिया मैंने कहा नानी बोतल से पियो क्योंकि स्टील वाले अभी साबुन खर्चा होगा साबुन उस दिन यूज होगा तो हमारे घर का कॉमेडियन है ये सबसे ज्यादा कॉमेडी यही करता है और रिया उसी तो रिया की हंसी जो है बंद नहीं हो रही है बस हंसती जाएगी अभी गोली खाई उसके ऊपर पुड़िया खा रही है तो फ्रेंड्स आप लोग की मस्ती इसी तरह से चलती रहेगी तो मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों को एक गुड न्यूज देनी है वो मैं बाद में दूंगी और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए सबको देखो अकेले जाना है बाय 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 बाय